बेलारूस अब यूक्रेन या किसी नाटो देश पर परमाणु हमला कर सकता है, यह खबर चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसीलिए नहीं कि बेलारूस अटैक करेगा, बल्कि चौंकाने वाली बात यह कि बेलारूस के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो वो न्यूक्लियर अटैक कैसे करेगा? आखिर रूस का यह प्लान कितना खतरनाक है, देखिए इस रिपोर्ट में। कीव पर पुतिन का एन प्रहार, बेलारूस पहुंचे परमाणु हथियार। पुतिन ने बदली न्यूक नीति, नेटो के विरुद्ध नेटो नीति। पुतिन ने वो विनाशक कदम उठाने का मन बना लिया है जो आज तक किसी देश ने नहीं उठाए। पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल, उनके रखरखाव और उनकी तैनाती को लेकर बने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को किनारे लगाने का फैसला ले लिया है, क्योंकि रूस को युद्ध जीतना है और बिना परमाणु भय के विजय नामुमकिन है। पुतिन का ये फैसला महाविनाश का चक्र शुरू कर सकता है। रशियन न्यूज एजेंसी तास ने जो खबर जारी की है उसकी हेडलाइन वो बता रही है जो आज तक नहीं हुआ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये खबर क्या है ये समझिए। रूस और बेलारूस वही परमाणु नीति अपना रहे हैं जो अमेरिका और नेटो संगठन के बीच है। बेलारूस के फाइटर जेट्स न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक करने के लिए अपग्रेड किए जाएंगे। इस खबर की यही दो लाइनें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसका सीधा और सरल मतलब क्या है ये समझिए। इसका मतलब है रूस के न्यूक्लियर हथियार बेलारूस में रखे जाएंगे, यानी रूस बेलारूस में परमाणु हथियारों का स्थायी ठिकाना बना रहा है। रूस के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बेलारूस को दिया जा रहा है। बेलारूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ तो लुकाशेंको परमाणु हमले का आदेश जारी कर देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई देश अपने परमाणु हथियारों का स्थायी ठिकाना दूसरे देश में बना रहा है, यानी बेलारूस अब परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने जा रहा है। पुतिन ने नेटो और अमेरिका की परमाणु नीति को सीधे सीधे अपनाने का फैसला लिया है। पुतिन ने इस नेटो नीति को अपनाने का ऐलान बेलारूस दौरे के बाद किया है। नेटो नीति क्या है ये समझिए। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों के ठिकाने नेटो संगठन के देशों की जमीन पर बना रखे हैं। रूस के आसपास अमेरिका के कई परमाणु ठिकाने हैं। रूस नेटो की इस नीति की आलोचना करता रहा है। रूस कहता है कि ये एनपीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन है। लेकिन पुतिन ने अब अमेरिका के अंदाज में ही युद्ध लड़ने का प्लान तैयार किया है। 10 दिसंबर को पुतिन ने कहा था कि रूस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने ही सुरक्षा के नजरिए से दुश्मन के हथियारों को नष्ट करने के लिए पहले हमले का नियम बनाया। उसके इस नियम को रूस अपनाने पर विचार कर रहा है। 24 दिसंबर को पुतिन ने अमेरिका और नेटो की परमाणु नीति लागू कर दी। ये अमेरिका पर दबाव बनाने की स्ट्रेटजी है। बेलारूस में परमाणु हथियारों के तैनाती का मतलब है दुनिया पर खतरा। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनाती के बाद परमाणु खतरा कीव से 500 किलोमीटर दूर रह जाएगा। बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको को पुतिन की कठपुतली कहा जाता है। लुकाशेंको ने 22 दिसंबर को ही कहा था कि शांति के लिए युद्ध जरूरी है। लुकाशेंको नेटो एक्टिविटी को अपनी संप्रभुता पर खतरा बताते रहे। ऐसी स्थिति में बेलारूस से परमाणु हमले की आशंका भी बढ़ जाती है। साथ ही डर्टी बम की तरह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का खतरा भी है। डर्टी बम चलने का मतलब क्या है ये समझिए। 15 नवंबर को पोलैंड में एक मिसाइल गिरी। 40 घंटों तक ये तय नहीं हो पाया कि ये मिसाइल किसकी है। डर्टी बम चला तो भ्रम की यही स्थिति बन जाएगी और फिर रूस या बेलारूस को परमाणु हमला करने का आधार मिल जाएगा। पुतिन की इस नीति से अमेरिका भड़का हुआ है, क्योंकि अमेरिका ये समझ रहा है कि रूस ऐसे देशों को न्यूक्लियर वेपन दे रहा है जो उसके लिए खतरा है। अंदेशा है कि रूस कई देशों में परमाणु घेरेबंदी का प्लान बना रहा है। बेलारूस उसके परमाणु हथियारों का पहला ठिकाना है। आने वाले दिनों में रूस के परमाणु हथियारों का ठिकाना ईरान भी बन सकता है। पुतिन पहले ही जता चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रहार इतनी तेजी से होगा कि दुश्मन को संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। It was believed that this preemptive disarming strike would be used with hypersonic systems, but the United States don't have this, and we do. पुतिन ने 10 दिसंबर 2022 को जो दो बड़े बयान दिए वो उन पर अमल करते दिख रहे हैं। अमेरिका के दुश्मन देशों को न्यूक्लियर वेपन देने, दूसरे देशों में रूस के न्यूक्लियर ठिकाने बनाने से साफ है कि महाविध्वंस की ऐसी तैयारी हो रही है कि दुश्मन अंदाजा लगाता रह जाए कि हमला किसने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।